नमस्ते कुमार जोशी दस्टोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मीन लग्न के लिए फेब्रुवरी 2024 कैसा रहेगा? स्पाइसिस एसेंडेंट के लिए, स्पाइसिस एसेंडेंट देखिए, जो बच्चे के लिए, जो आपके संतान के लिए जो ग्रोथ का टाइम था वो जनवरी था। स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा टाइम था, लविंग टाइम था। आपने अपना दिमाग चलाना चला लिया जनवरी में। अब फरवरी आपकी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाए, ऐसा योग है। शत्रु से एकदम सावधान रहिएगा। हो सकता है ये शत्रु तो अगर आपके कोर्ट कचहरी का लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर हो तो आप परेशान होने के लिए कगार पे खड़े हैं। अगर आपका हेल्थ, उम्र बड़ी है तो ये आपको हेल्थ के आटे में भी फेंक सकता है ये टाइम, मतलब फेब्रुवरी महीना। यू टू बी वेरी केयरफुल, मतलब रोग, ऋण और शत्रु। हो सकता है आपको लोन मांगनी पड़े, पैसे की शॉर्टेज आपको फील करेंगे तो श्री सुक्त करिएगा, श्री यंत्र लेके आइएगा मार्केट से, बहुत महंगा नहीं मिलता। श्री यंत्र लेके आके श्री सुक्त करिएगा। इस वक्त हो सकता है आपके संतान के लिए खर्च होगा, ये हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है। आपका अगर जो उम्र मेरे से 5-7 साल बड़ा है समझो, तो कोई डायबिटीज के लक्षण दिखाई देंगे। और अपने सुखों के लिए देखिए, ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो क्या कर लेगा ये वो सोच के इंसान बहुत बड़ी जगह पे बकरी बांधता है, यानी कि दुश्मनी के लिए स्टेप उठा रहे हैं। अगर आप देखिए, मैं ऐसा देखा है जितने भी स्पाइसेस लगने वाले हैं, दो दो घर के मालिक होते हैं। यू आर और यू विल बी इन फ्यूचर, यू विल बी द ओनर ऑफ अ टू हाउस। दो घर होते हैं, दो घर का सुख मिलता ही है, जेमिनी साइन आपके चतुर्थ में। बट दे टाइम जो है, और ये टाइम आपको 3 फरवरी से दिखाने लग जाएगा कि आप कुछ ना कुछ दुश्मनी या तो मोलेंगे कि क्या होता है होन दो। और 10 फरवरी से 3 मार्च तक में आपके साथ या तो आपका बड़ा भाई धोखा करेगा, कोई फ्रेंड धोखा करेगा और मामला होगा ये प्रॉपर्टी का, भाई, बड़ा भाई, कोई दोस्त या आपका जो संतान है उसका स्पाउस, ठीक से समझ लीजिएगा। अगर कहीं ना कहीं कोई, देखिए प्रॉपर्टी में स्थान में उच्च का मंगल है, बुध के साथ है आपके साथ, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी का मामला है, इसका डिसीजन 10 फरवरी से 3 मार्च तक नहीं लीजिएगा, बहुत बड़ा धोखा संभवित है आपके साथ। मैं डरा नहीं रहा हूं, इट कैन बी पोस्टपोन्ड। आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार अमावस है 9 फरवरी को, 9 फरवरी के दिन विष्णु सहस्रनाम करके हो सके तो बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, नंबर वन। कोई विधवा है या कोई, देखिए ऐसे वृंदावन में बहुत विधवाओं के आश्रम है वहां है, या कोई अंध आश्रम है, अंधे लोगों का आश्रम है, मतलब एक तो नीडी आदमी और वास्तव में जो समाज से तिरस्कृत है ऐसा पर्सनालिटी, उनके घर पे उनको पर्सनली आप राइस दे सकते हो 4 किलो। वेल, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर नहीं दे सकते तो शिव मंदिर में जाके रख दीजिएगा, इफ पॉसिबल है तो। आपको देखिए, मैं एक तो श्री सुक्त करने के लिए बोला क्योंकि पैसे की शॉर्टेज में आप आने वाले, बहुत बड़ी दुश्मनी आप मोलने वाले, बड़ी दुश्मनी, और वो आपके हो सकता है, मैंने बोला मैं फिर से आपको केयरफुल रहने की जगह बता रहा हूं, ये पर्सन आपका दोस्त हो सकता है, मामला प्रॉपर्टी का होगा, आपका वो दोस्त हो सकता है या आपका चाचा हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है या संतान का स्पाउस हो सकता है, उसके तरफ से आपको धोखा मिल सकता है। ये चारों संभावनाएं हैं, उसमें से किसी भी एक संभावनाओं की तरफ ये चीज आपको अटकाएगा। ये संभावनाओं 1 जनवरी से, देखिए 1 जनवरी से बहुत बड़े धोखे की इस कगार पे आप खड़े, 1 जनवरी से ये मैंने बोला ऐसा 3 मार्च तक ये आपके सर पे बहुत बड़ा, अचानक बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है, तो ये केयरफुल रहिएगा इस चीज को। इन शॉर्ट देखिए, जो गया महीना था जनवरी, दैट वाज अ होपफुल मंथ, बट फेब्रुवरी आपको बहुत अच्छी तरह से केयरफुल रहना है। अब इसमें देखिए, 3 फरवरी से आप ऐसी जगह एंटर हो रहे हैं, अब 27 फरवरी से आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा। आपकी मतलब देखिए, मैंने 3 मार्च तक आपको केयरफुल रहने को बोला है, 10 फरवरी से, 27 फरवरी से वापस आप, हो सकता है आपका स्पाउस आपको मददगार हो जाए इस समय में, 27 फरवरी के बाद, यह आपकी सोशल स्टेटस आपको मदद करने लग जाए, क्योंकि 27 फरवरी से आपका मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग भी होने लग जाएगा। और आई हैव सेड सी, स्टूडेंट के लिए भी मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला, मतलब अगर आप बोलेंगे कि चल जाने दे, एक आध में हो जाएगा, एटीकेटी लग गई, हम बाद में एग्जाम दे देंगे, ये ब्लंटली कारोबार नहीं करिएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड,
विष्णु सहस्त्रनाम करना है, मैंने बोला ऐसा कोई विधवा को, या तो मैंने बोला कोई अंधाश्रम में, आप 4 किलो चावल बोला मैंने, इफ पॉसिबल है 4 केजी, या तो शिव मंदिर में रख दीजिएगा विष्णु सहस्त्रनाम करने के बाद, दूसरे दिन रख दोगे तो भी चलेगा, बट डोनेट 4 केजीज राइस इफ पॉसिबल। अब देखिए जॉब में मैं आपको सजेशन देता हूं, डोंट टेक रिस्क टिल 26 फरवरी, आपको दुश्मन घेरेगा 3 फरवरी से 26 फरवरी तक दुश्मन घेरेगा, आपका हेल्थ का भी इश्यू हो सकता है। हेल्थ के लिए मैंने 24-25 फरवरी आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है। पैसे की शॉर्टेज तो 100% आप महसूस करेंगे ही करेंगे 3 फरवरी से 26 फरवरी तक, 26 फरवरी तक ये पैसे की जरूरत आपको होगी। बहुत बड़ी जगह बकरी बांधने वाले हैं आप, ये बात कंफर्म है, बट अपनी ताकत देखकर बकरी बांधिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो क्या कर लेगा। देखिए सुखों का हर चीज का पैसे से कीमत नहीं लगाया जा सकता, अगर अच्छा बोल के अगर निकल जाना पॉसिबल है, क्योंकि सडनली जनवरी 1 जनवरी टू 3 मार्च तक वो बहुत बड़ी तलवार आपके सर पे होगी, 3 मार्च से बाद में वो चीज जाने लग जाएगा और आप कहीं ना कहीं से उसमें रास्ता करने की कोशिश करेंगे। आई सेड 10 फरवरी टू 3 मार्च केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए मैंने विष्णु सहस्त्रनाम बोला करना ही है, केयरफुल ही करिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करना है, हर वेनसडे को विष्णु सहस्त्रनाम सुनो स्टूडेंट है तो, और आप भी करिएगा अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी, 10 फरवरी टू 3 मार्च तक का टाइम को आपको निकालना भारी पड़ने वाला है, यानी कि आपको स्मार्टनेस से अध्यात्म का सहारा ले लीजिएगा। अभी आपका जो जितना बुद्धि चलाओगे वो और टफ देने लग जाएगा, आपको समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूँ। वो मोहब्बत करते हैं उनके लिए 1 फरवरी विल बी द बेस्ट, प्यार करते हैं उनके लिए 1 फरवरी इसके लिए बेस्ट है, ये चंद्र शुक्र का योग बना है आपके कर्म स्थान पर, मतलब कोई औरत आपके ऊपर आ जाएगी शासन के लिए, रूलिंग करती हुई दिखाई देगी। ये 18 जनवरी से 11 फरवरी तक किसी फीमेल का आप पर रूलिंग भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसका तुला लग्न हो, वृषभ लग्न हो, मीन लग्न हो, मतलब ये वीनस वाला या कोई व्हीकल। देखिए आप कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा खर्चा दिखाई दे रहा है 1 जनवरी से 3 मार्च में, हो सकता है मैरिज का, आपका जो मैरिज भी एक बंधन है, अकबर समझे उसका रूल्स एंड रेगुलेशन एक बंधन है, वो बंधन भी हो सकता है आप तोड़ने की कोशिश करो, मतलब आउट ऑफ द रूल जाने की कोशिश करेंगे 1 जनवरी से, मतलब जनवरी भी पूरा और फरवरी भी पूरा, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपको परेशानी में डाल सकता है वो 3 मार्च तक, 1 जनवरी टू 3 मार्च में, वो चीज के लिए केयरफुल रहने के लिए मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला है। मैरिज लास्ट वीक ऑफ फरवरी मैंने बोला आपको, दोज़ हू आर इफ यू आर अनमैरिड और आपके विवाह के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो 27 फरवरी से बाद में आपको सचमुच में ही बहुत बड़ा मौका मिलेगा, काम धंधे के लिए भी बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन नॉट नाउ, ये जो फरवरी महीना है ये तनाव में है, आप बिजनेसमैन है तो लोन मांगनी पड़ेगी, शॉर्टेज ऑफ मनी है। आपको मैंने जो गुरुवार को मैंने बोला पैसे की शॉर्टेज के लिए वो करिएगा, श्री शुक्त करना है और श्री यंत्र लेके आना। शेयर मार्केट के लिए 8 और 9 फरवरी बेस्ट है। अब इसमें 8 और 9 फरवरी को बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। देखिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, मंगल आपके उच्च का हुआ है, कहीं भी देखिए उच्च का ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है, बट दोस्त पर भरोसा करके काम कर रहे हैं, ये कहीं भी आप भरोसा कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए समस्या हो सकता है। 11वां मंगल है उच्च का, ये भी आपके लिए, मंगल डेफिनेटली लॉर्ड ऑफ द सेकंड है, हो सकता है आपका, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दिया हो वो उसमें समस्या ला सकता है, यानी कि आपको कोई भी आपका बड़ा झगड़ा ऐसा लग रहा है, आपको 2 कदम पीछे हटना पड़े तो 3 फरवरी से 26 फरवरी में पीछे हटिएगा, मैंने बोला ऐसा श्री सुक्त करना है। और राहु का दान में, राहु का नेगेटिविटी में आप फंसे हैं अभी, सीख से समझ लीजिएगा, राहु का दान में अमावस के दिन आप टी पैकेट भी दे सकेंगे, मैंने बोला वो विधवा का कर सकते हैं, आश्रम में कोई विधवाश्रम में या अंध आश्रम में दान कर सकेंगे। 9 फरवरी को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बेहतर जल में नारियल बहा सकेंगे। डोंट टेक रिस्क, मैंने बोला है 26 फरवरी तक, मतलब 3 फरवरी से अपने माइंड को मेकअप करके चलिएगा, मतलब
देखिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, बहुत बड़ी जगह झगड़ा करने से उलझिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम ईगो पर आ जाते हैं कि क्या कर लेगा, देख लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। दो कदम पीछे हटना पड़े तो हट जाओ। कोई बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है आपको 26 फरवरी के बाद, यानी कि 27 फरवरी से 15 मार्च में बहुत बड़ी जंप मिल सकती है। सो केयरफुल रहिएगा इस टाइम को। देखिए इस महीने में 13 फरवरी और 28 फरवरी चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा। अगर प्रॉपर्टी का मामला, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ प्रॉपर्टी पर आप कहीं फील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पे पर्टिकुलरली उच्च का मंगल हुआ है, मतलब आपका कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो, किसी को रेंट पे दिया हो और आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मैटर फील कर रहे हैं, और 13 फरवरी 28 फरवरी को गणेश मंदिर में जाइएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा और लड्डू का भोग लगाइएगा इफ पॉसिबल। लड्डू का पैसा समझो अगर नहीं है तो रोटी के अंदर गुड़ डाल के घी डालकर छोटे छोटे 3 लड्डू बना दीजिएगा और वो गणपति बापा को अपने घर पे प्रसाद लगाइएगा 13 फरवरी एंड 28 फरवरी को। देखिए 7 फरवरी एंड 21 फरवरी आपके बच्चे के साथ जो आपका जो कभी कभी जो विचारों में डिफरेंस होता है, पर्टिकुलरली देखिए ये 6 दिन है, आप जितनी बुद्धि चलाओगे और फंसोगे। ये डेट को कहीं कैलेंडर पर मार्क करिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। 7 फरवरी और 21 फरवरी को शिव मंदिर में जाइएगा, हो सके रुद्राभिषेक अगर पढ़ सकते हो, रुद्री पाठ कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपके विचारों से परेशान है तो। 7 फरवरी और 21 फरवरी को ये शिव मंदिर में मुलाकात। शाम को सुबह एक तो दर्शन करिएगा शिव मंदिर में, शाम को सनसेट के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में शिव मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, जलाभिषेक कर सको तो अति उत्तम है। 7 और 21 को जो जलाभिषेक नहीं कर सकते, जो लोग इसको बिलीव नहीं करते, वो आपके टेरेस बालकनी या गैलरी में पानी के बाउल भर के रखिएगा बर्ड्स को पीने के लिए, किसी जगह पर प्याऊ के लिए दान करेंगे तो भी अच्छा। 7 फरवरी और 21 फरवरी को किसी को भी ऐसा नीडी पर्सन है उसको जल का दान करिएगा, मतलब पानी की बॉटल वोटल गिफ्ट कर सकते हैं अगर करना है तो। धूप का टाइम नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। अब देखिए 2 और 3 फरवरी आपको स्ट्रेस तो रहेगा, 2 और 3 फरवरी को ये आपका स्ट्रेसफुल है और जितनी बुद्धि चलाओगे संतान के साथ विवाद में उतरोगे। 2 और 3 फरवरी को हो सकता है स्टूडेंट है तो भी तनाव रहेगा। 10 और 11 फरवरी को आपको एक्सपेंसिव लगेगा, मतलब पैसा खर्च होगा 10 और 11 तारीख को, और 24-25 तारीख को हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। हो सके तो देखिए मैंने जो शिव का 7 तारीख 21 तारीख बोला है और ये तारीख 2, 3, 10, 11, 24, 25 को शिव मंदिर में जरूर जाइएगा, ये तनाव में से आपको काफी मुक्ति मिलेगी, थोड़ी बहुत रिलीफ तो मिलेगी इसमें। अब देखिए इस महीने में जो गज केसरी योग है इसकी तारीख बताता हूं मैं आपको, ये केयरफुल तारीख मैंने इसके लिए बताया, इस दिन में रिस्क नहीं लीजिएगा। हो सकता है आपका कभी कभी क्या होता है, देखिए हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है वो लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं कि आप अपने आप को रोक लोगे, दुश्मन उस वक्त ही हमला करता है। सो दुश्मन के लिए ये बहुत अच्छा समय है आपके 3 फरवरी से 26 फरवरी, हो सके 2 कदम पीछे हटो, आपका समझदारी उसी में, और ये तारीख में आपको स्टेप पीछे लेने। अब ये गज केसरी योग की तारीख है 2 फरवरी 9 फरवरी 15 फरवरी एंड 22 फरवरी, ये गज केसरी योग की तारीख है। इसमें देखिए कहीं भी पर्टिकुलरली देखिए ये कर्क का तुला का जो गज केसरी योग है ये आपको ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, यानी कि 2 फरवरी का जो गज केसरी योग है ये आपके ज्यादा फायदे का नहीं है। ये 3 गज केसरी योग आपको फाइनेंशियल मार्केट में मनी मूवमेंट अच्छा होता है। जनरली मैंने आप लोगों का ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम देखा है, मतलब आपके काम धंधे में ट्रैवलिंग ज्यादा होता है। ये शुक्र कर्मस्थान में आया है, ये मैंने बोला ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपको तकलीफ में डाल सकता है, केयरफुल रहिएगा वो चीज भी आपको, और वो आपको 1 जनवरी से 3 मार्च तक का टाइम बोल रहा हूं मैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसके लिए बोल रहा हूं, कोई औरत का रूलिंग भी आप पर दिखाई दे रहा है शुक्र कर्मस्थान में, तो इसको केयरफुल रहिएगा। ये अभी संभावनाओं पर आप आगे सोच सकते हैं आपके एक्चुअल सिचुएशन को। अब देखिए जो प्यार करते हैं उनके लिए मैंने बताया ये 8 फरवरी चंद्र शुक्र का युति आपके कर्मस्थान में हुआ है, तो कोई प्रपोज करने के लिए ये दिन बड़े अच्छे माने जाते हैं, चंद्र शुक्र का दिन रोमांटिक माना जाता है, तो ये इसका फायदा ले सकते हैं आप। इस महीने में बहुत अच्छी चीज है गुरु पुष्य नक्षत्र है 22 फरवरी को। कभी कभी क्या होता है देखिए दशाएं बहुत फेवरेबल है,
आपका स्पाउस का कुंडली बहुत फेवरेबल है, जैसे आपके हस्बैंड का कुंडली बहुत फेवरेबल है, या आपके वाइफ का कुंडली, बहुत हद तक रिलीफ मिल जाता है। सो गुरु पुष्यम नक्षत्र के दिन अगर कुछ आपको गोल्ड खरीदना हो, व्हीकल खरीदना हो, या कोई महंगी चीज खरीदना हो, तो ये बेस्ट दिन है इस महीने का। गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, आप बहुत लंबे समय तक इस पुष्य नक्षत्र का खरीदी हुई चीज लंबे समय तक आप रख पाएंगे। तो इन शॉर्ट देखिए, इस महीने में बुध का भी अस्त हो रहा है, यानी कि आपके सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है बुध, उसका भी अस्त हो रहा है। आपके बुध सप्तम में है, वह केतु है, आपकी मैरिज लाइफ को नजर लग गया, ऐसा भी आप महसूस करते होंगे। केतु सप्तम में, यानी कि 30 अक्टूबर से 2023 से 17 मई 2025 तक, यानी कि 1.5 साल तक ये केतु आपके सेवेंथ हाउस में रहेगा। ये आपकी मैरिज लाइफ के लिए भी गड़बड़ वाला टाइम मान सकते हैं आप इसको। सो हो सके इस महीने में कभी भी वेनसडे के दिन करोगे, अमावस के दिन करोगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट 3 ब्लैंकेट का दान कर दीजिएगा, 3 ब्लैंकेट का दान कर दीजिएगा। इफ पॉसिबल आप कर सकते हो तो अच्छा है, अगर ब्लैंकेट का दान नहीं कर सकते, ठंडी का सीजन हिंदुस्तान में, आप वो नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा। अभी 1.5 साल तक, 2023 से मई 2025 तक, 17 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते रहिएगा। मैरिड लाइफ पर जो नजर लगी है उस पर बहुत हद तक आप कमी कर पाएंगे। ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।